स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहन लाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश, बीबीसी पड़ताल दुनिया की। रोज अमरीकी राज्य टेक्सास के एक छोटे से शहर में पली बढ़ी। रोज जब सिर्फ 13 साल की थी तभी से वो स्मोकिंग करने लगी। रोज बताती है कि उनकी मां बेहद सख्ती के साथ कहा करती थी कि वो सिगरेट ना पिए, लेकिन लत थी कि छूटती ही नहीं। आलम यह था कि वो अपने पिता की सिगरेट चोरी कर लेती और स्कूल में लंच के लिए मिलने वाले पैसे तंबाकू खरीदने पर लगा देती। अगले 45 साल तक हर दिन वो करीब 2 पैकेट सिगरेट फूंक देती। और फिर एक दिन उन्हें पैरों में दिक्कत महसूस हुई। डॉक्टर ने बताया कि ये धूम्रपान से जुड़ी हुई समस्या है और अगर स्मोकिंग बंद न की तो उन्हें अपना पैर गंवाना पड़ सकता है। उन्होंने सिगरेट छोड़ दी, लेकिन तभी डॉक्टरों ने पाया कि उन्हें फेफड़े का कैंसर है। उन्हें कीमोथेरेपी लेनी पड़ी, सर्जरी हुई। उसके बाद उनके दिमाग में 2 ट्यूमर का पता चला। कई लोगों को लगता है कि उन्हें कैंसर नहीं हो सकता। रोज जब कैंसर से जूझ रही थी तब उन्होंने ऐसे लोगों को कहा कि वो उनकी तरफ देखें। एक दिन रोज की मौत हो गई। तब उनकी उम्र थी 60 साल। ऐसी भयावह कहानियां सुनने, स्मोकिंग के तमाम खतरों की जानकारी होने और तमाम जागरूकता अभियानों के बावजूद दुनिया भर में करीब 1 अरब लोग धूम्रपान करते हैं, लेकिन क्यों? इस बार दुनिया जहां में पड़ताल इसी सवाल की कि आखिर लोग सिगरेट क्यों नहीं छोड़ पाते। इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमने कुछ एक्सपर्ट से बात की। पार्ट 1, धूम्रपान की लत। मैं धूम्रपान का सख्त विरोधी था, फिर एक दिन मैंने स्मोकिंग शुरू कर दी। ये है हमारे पहले एक्सपर्ट प्रोफेसर रॉबर्ट वेस्ट। वो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, द स्मोक फ्री फॉर्मूला। वो बताते हैं कि अपनी एक गर्लफ्रेंड के कहने पर उन्होंने धूम्रपान से तौबा कर ली। गर्लफ्रेंड के साथ रिश्ता 30 साल बाद टूट गया, लेकिन वो ये समझने की कोशिश में लगे रहे कि आखिरकार लोग धूम्रपान क्यों करते हैं। उनके मुताबिक इसका जवाब तंबाकू की पत्ती में मौजूद निकोटिन में है। When you inhale cigarette smoke, nicotine is absorbed very rapidly. जब आप सिगरेट का धुआं अंदर ले जाते हैं तब निकोटिन बड़ी तेजी के साथ फेफड़े के किनारे में समा जाता है और कुछ ही सेकंड में सीधे दिमाग तक पहुंच जाता है। वहां इसका संपर्क नर्व सेल यानी तंत्रिका की कोशिका से होता है और इसके असर से डोपामाइन नाम का रसायन बाहर आता है और ये दिमाग को संकेत देता है कि कुछ अच्छा करने की वजह से आपको रिवॉर्ड मिलने वाला है। रॉबर्ट कहते हैं कि आपको भले ही इसका अंदाजा न हो, लेकिन दिमाग आपसे ये दोबारा करने को कहता है। निकोटिन की लत की पकड़ कितनी मजबूत होती है, रॉबर्ट यही जानना चाहते थे। उन्होंने एक ऐसे समूह पर अध्ययन किया जिन्हें बेतहाशा धूम्रपान करने की वजह से गले का कैंसर हो गया था। उन सभी की कंठ नली को काटकर निकालना पड़ा था। कंठ में जो छेद किए गए थे वो उनके जरिए ही सांस लेते हैं। ऑपरेशन के बाद उनमें से कई लोग दोबारा धूम्रपान करना चाहते थे। अब वो धुआं अंदर नहीं ले जा सकते थे। उनका मुंह अब फेफड़ों से जुड़ा हुआ नहीं है। ऐसे में कई लोग कंठ में बनाए गए छेद के जरिए धूम्रपान करते हैं। ये स्थिति बहुत सुखद नहीं होती, उन्हें दिक्कत भी होती है, लेकिन इससे पता लगता है कि धूम्रपान करने वाले निकोटीन की तलब मिटाना चाहते हैं। रॉबर्ट वेस्ट कहते हैं कि सिगरेट में मौजूद निकोटिन की लत बहुत हद तक हीरोइन, कोकीन या फिर अफीम जैसी किसी दूसरी ड्रग्स की लत की तरह होती है। वो कहते हैं कि दिमाग के जिस हिस्से को एनिमल पार्ट कहा जाता है उसी के जरिए निकोटिन की लत पर काबू पाया जा सकता है। ड्रग्स एनिमल ब्रेन को उकसाती है और दिमाग का ये हिस्सा कहता है तलब मिटाओ। दिमाग का दूसरा हिस्सा कहता है ये बेवकूफी है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। लत की गिरफ्त में जकड़े लोग हर दिन इस संघर्ष से जूझते हैं।
इस लत का इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप कितने बुद्धिमान हैं। महत्वपूर्ण सिर्फ यह है कि आपका दिमाग निकोटिन को लेकर किस तरह की प्रतिक्रिया देता है। रॉबर्ट वेस्ट कहते हैं कि आपके अनुवांशिक तौर पर भी इस लत की चपेट में आने की संभावना रहती है। जो जीन आपको गढ़ते हैं वो ही आपको निकोटिन की लत की ओर ले जा सकते हैं, लेकिन हर मामले में ऐसा हो ये जरूरी नहीं। पार्ट टू, बाजार का वार। What I saw was immoral, illegal. मैंने जो देखा वो अनैतिक, गैर कानूनी और नियम के खिलाफ था। ये उनकी मार्केटिंग और उत्पाद को लेकर लोगों के बीच किए गए रिसर्च को लेकर कह रहा हूँ। हमारे दूसरे एक्सपर्ट डॉक्टर जेफरी वाइगैंड साल 1994 में विसिल ब्लोअर के तौर पर सामने आए। उन्होंने तंबाकू की बड़ी कंपनियों के झूठ को बेपर्दा किया। हॉलीवुड ने इस कहानी पर एक फिल्म बनाई जिसका नाम था इनसाइडर। उनकी कहानी की शुरुआत 1988 में अमरीकी राज्य केंटकी के लुईविल से हुई। जेफरी को ब्राउन एंड विलियमसन तंबाकू कंपनी में लाखों डॉलर के वेतन के साथ आला अधिकारी का पद मिला। वो बायोकेमिस्ट थे और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम कर चुके थे। उन्हें धूम्रपान के खतरों को लेकर कंपनी का रुख भ्रम में डालने वाला लगा और वो इसे लेकर सवाल पूछने लगे। जेफरी बताते हैं कि कंपनी के अंदर ये समझ साफ थी कि उनका प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वालों और उनके इर्द गिर्द बने रहने वालों की जान ले सकता है, इसकी लत भी लग सकती है, लेकिन बाहरी दुनिया को कंपनी एक अलग कहानी सुना रही थी। ये उत्पाद सुरक्षित है, इस उत्पाद से कोई नुकसान नहीं होता, और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो अपनी आजाद ख्याली से करते हैं। जेफरी 5 साल तक सवाल पूछते रहे और रहस्य की परत दर परत उतारते रहे। फिर एक दिन उन्हें बर्खास्त कर दिया गया और चुप रहने की हिदायत दी गई। इसके 1 साल बाद यानी 1994 में जेफरी के पूर्व बॉस समेत दुनिया की 7 बड़ी तंबाकू कंपनियों के सीईओ ने सच बताने की कसम ली और ये कहा, I don't believe that nicotine or our products are addictive. I believe nicotine is not addictive. वो अमरीकी कांग्रेस के सामने झूठ बोल रहे थे। जेफरी और उनके पूर्व बॉस ये जानते थे। यही बात खेल बदलने वाली साबित हुई। जेफरी ने दुनिया को सच बताने का फैसला किया। मुझे विसल ब्लोअर कहा गया। उसके बाद तमाम मुश्किलें शुरू हो गईं। मेल के जरिए 2 बार मेरे बच्चों को मारने की धमकी तक मिली। मेरे घर के बाहर मीडिया का जमघट लग गया। 2 हथियारबंद पूर्व सीक्रेट एजेंट 24 घंटे हमारी सुरक्षा में तैनात रहा करते थे। लेकिन इसके बाद तंबाकू की बड़ी कंपनियां इस बात से इनकार नहीं कर सकी कि निकोटिन की लत लग सकती है और ये इंसानी शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। इसके बाद कुछ देशों ने लोगों को धूम्रपान से दूर रखने के लिए दूरगामी उपाय अपनाए। इसमें सिगरेट पैकेट की पैकिंग में बदलाव, सार्वजनिक जगहों और कार्यस्थलों पर धूम्रपान करने पर पाबंदी और टैक्स लगाकर कीमतें कई गुना बढ़ाना तक शामिल है। जेफरी दावा करते हैं कि अमेरिका और यूरोप के देशों में नियम बदले गए तो तंबाकू कंपनियों ने अपना फोकस दूसरे देशों की ओर कर लिया। तंबाकू कंपनियों को मुनाफा बनाए रखने का जरिया तलाशना था तो उन्होंने पुराने तरीके आजमाने शुरू कर दिए। उन्होंने विकासशील देशों या फिर ऐसे देशों का रुख किया जहाँ नियम उतने सख्त नहीं थे, जहाँ के लोग अपेक्षाकृत कम पढ़े लिखे और गरीब हों, और उन्होंने वहाँ तंबाकू उत्पादों की मार्केटिंग शुरू कर दी। जेफरी कहते हैं कि तंबाकू उद्योग से जुड़ी कंपनियों को अपने उत्पाद बेचने से जो पैसा मिलता है उससे वो उन उत्पादों की मार्केटिंग करते हैं, ये जानते हुए भी कि ये उत्पाद लोगों की जान ले सकते हैं। हालांकि तंबाकू कंपनियां ये दलील देती है कि वो किसी पर धूम्रपान के लिए दबाव नहीं डालती हैं। शायद ये सही भी है। ऐसे में सवाल है कि लोग धूम्रपान शुरू क्यों करते हैं। जवाब जानते हैं अगले एक्सपर्ट से। पार्ट 3, अजब सा नशा। My mom, she was a very heavy smoker. मेरी माँ बहुत ज्यादा धूम्रपान करती थी। जब मैं बच्ची थी तब सिगरेट के धुएं से घिरी रहती थी। ये है हमारी तीसरी एक्सपर्ट डॉक्टर इल्डिको टोम्बोर। वो हेल्थ साइकोलॉजिस्ट हैं। वो बताती हैं कि उनकी माँ गर्भवती हुई तो उन्होंने सिगरेट छोड़ दी, लेकिन दूध पिलाना बंद करते ही वो दोबारा स्मोकिंग करने लगी।
एल्डिको ने पहली केस स्टडी अपनी माँ पर ही की। उन्होंने अपने अध्ययन में पाया कि लोगों की अपने बारे में जो राय होती है वो उनके बर्ताव को प्रभावित करती है। Identity is a very important motivational force that can... पहचान की प्रेरक शक्ति जबरदस्त होती है। ये बर्ताव तय करती है। ये कई तरह के बर्ताव पर लागू होता है, चाहे धूम्रपान करना हो, शराब पीना हो, कसरत करना हो या फिर किसी खास ब्रांड का सामान या उपकरण खरीदना हो। ये खुद की पहचान बनाने की तरह है, वो पहचान जो किसी खास समूह या जाति से जुड़ी हो और आप ये तय कर रहे हो कि हर किसी को इसके बारे में जानकारी है। And so for instance, sometimes identity is literally visible. उदाहरण के लिए कई बार पहचान साफ तौर पर जाहिर होती है जब आप किसी यूनिवर्सिटी की पोशाक पहनते हैं या फिर अपने पसंदीदा फुटबॉल क्लब की जर्सी पहनते हैं। तब इसके खास मायने होते हैं कि आप उस खास सामाजिक समूह का हिस्सा हैं। कई बार ये आपके लिए बहुत अहम होता है। डॉक्टर इल्डिको कहती हैं कि धूम्रपान करने वाले ज्यादातर लोग 26 साल की उम्र के पहले ही स्मोकिंग शुरू कर देते हैं। किसी किशोर के लिए किसी कूल ग्रुप में जगह बनाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। इल्डिको कहती हैं कि धूम्रपान एक सोशल पासपोर्ट की तरह है। उन्हें रिसर्च से जानकारी हुई कि जो लोग धूम्रपान को अच्छी नजर से देखते हैं उन्हें लगता है कि इसका फायदा सामाजिक तौर पर और करियर की तरक्की में मिलता है। ऐसे लोगों के लिए इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। We ask current smokers whether they like being a smoker. हमने धूम्रपान करने वाले लोगों से पूछा कि उन्हें धूम्रपान करने वाले व्यक्ति के तौर पर अपनी पहचान पसंद है या नहीं। 18% लोगों ने कहा कि उन्हें ये पसंद है। ऐसे लोगों से 6 महीने बाद दोबारा संपर्क किया गया, तब जानकारी हुई उनमें से कम ही लोगों ने इस दौरान सिगरेट छोड़ने की कोशिश की थी। इससे पता चलता है कि जो इस छवि को अच्छा मानते हैं उनके लिए ये सोच सिगरेट छोड़ने के रास्ते में बड़े अवरोध की तरह है। सब जानते हैं कि धूम्रपान करने में खतरे हैं और इससे आपकी जान भी जा सकती है, लेकिन सभी लोग जोखिम को एक ही तरह से नहीं देखते हैं। पार्ट 4, दांव पर जान। I came from a working class family. My father passed away when I was 14. मैं नौकरी पेशा परिवार से आता हूँ। जब मैं 14 साल का था तब मेरे पिता की मौत हो गई। परिवार की जिम्मेदारी मेरी माँ पर आ गई। हम न्यू जर्सी के साधारण से कस्बे में रहते थे। ये हैं हमारे चौथे एक्सपर्ट कार्ल लेज़वे। उन्होंने ऐसे लोगों पर शोध किया है जिन्हें धूम्रपान की लत है। कार्ल और उनकी टीम ने धूम्रपान करने वाले ऐसे लोगों में दिलचस्पी ली जो जानते हुए स्वास्थ्य को जोखिम में डालने को तैयार थे। We created a game based on a computer simulated. हमने एक गेम बनाया। ये कंप्यूटर से तैयार बैलून पर आधारित था। इसमें बैलून फुलाने पर पैसे दिए जाते थे। आप जितना बड़ा बैलून फुलाते उतना ज्यादा पैसे जीत सकते थे, लेकिन एक जगह आकर ये बैलून फट सकता था। कार्ल की टीम ने पाया कि धूम्रपान न करने वालों की तुलना में स्मोकिंग करने वाले लोग बैलून को ज्यादा बड़ा फुलाते थे। कार्ल कहते हैं कि इस प्रयोग से सिर्फ यही नहीं साबित हुआ कि धूम्रपान करने वाले जोखिम लेते हैं, बल्कि ये भी पता चला कि वो किस हद तक जा सकते हैं। वो कहते हैं कि ये समझना भी जरूरी है कि धूम्रपान करने वाले अपनी भावनाओं पर कैसे काबू पाते हैं, खासकर तनाव के दौरान। If you think back to the story about my mother, She dropped out of high school. अगर मेरी माँ की कहानी पर वापस आएं, तो उन्होंने परिवार की मदद करने के लिए हाई स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी। ताउम्र उनके कंधों पर जिम्मेदारियों का बोझ रहा। मैंने उनके धूम्रपान करने को लेकर जो बात नोटिस की वो ये थी कि उनके लिए ये ब्रेक की तरह था। कार्ल कहते हैं कि उनकी माँ की तरह के लोग जिन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करना पड़ता है वो हर दिन कई चुनौतियों से जूझ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि ऐसे लोगों को कमजोर इच्छा शक्ति वाला बताना ठीक नहीं होगा। कार्ल कहते हैं ऐसे लोगों की स्थिति का अंदाजा वो लोग नहीं लगा सकते हैं जो उसी तरह की आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं कर रहे हैं, लेकिन धूम्रपान से मिलने वाली खुशी या सुकून जोखिम के बोझ को हर बार कुछ और बढ़ा देता है। कार्ल की माँ को अब इसका एहसास हो चुका है। About 3 years ago, my mother was actually diagnosed with lung cancer. करीब 3 साल पहले मेरी माँ को फेफड़े का कैंसर होने की जानकारी मिली। वो ठीक हो गई, फिर उन्हें ब्रेन कैंसर हुआ। ये एक ऐसा दर्द है जिसे मैं निजी तौर पर महसूस कर सकता हूँ।
लौटते हैं उसी सवाल पर कि आखिर लोग सिगरेट छोड़ते क्यों नहीं हैं। हमारे एक्सपर्ट की राय है कि कुछ लोगों के लिए ये जीवन के तनाव से निपटने का तरीका है, कुछ लोगों के लिए ये अपनी पहचान जाहिर करने का जरिया है। हमने ये भी समझा कि कुछ लोग निकोटिन की लत के प्रति अनुवांशिक तौर पर ज्यादा संवेदनशील होते हैं। वो और तमाम दूसरे लोग तंबाकू बेचने वाली बड़ी कंपनियों के निशाने पर भी होते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण वजह यह है कि धूम्रपान करने वालों को निकोटिन की लत लग जाती है और इस लत की गिरफ्त शायद हेरोइन से भी ज्यादा होती है।